गुड मॉर्निंग उज़्बेकिस्तान में एक और मॉर्निंग मेरी हो रही है और इस टाइम मैं हूँ अभी स्ट्रीट फूड के, ये बहुत बड़ी मार्केट है एक, और ये जो आपको नज़र आ रही है ये ब्रेड है। एक तो ये मार्केट का एरिया है, एक दूसरी साइड है, उधर भी लेके आके जा रहा हूँ, उधर भी लेके जा रहा हूँ आपको दूसरी मार्केट की साइड। एक तो ये डाउन की तरफ मार्केट थी और अब ये ऊपर की तरफ एक अलहदा से है। इसके डिफरेंट किस्म के ना पोर्शन है और इनके स्ट्रीट फूड का क्या ही मज़ा है। और ये भी पूरी है, हर एक का अलग अलग सेक्शन है। ये इनका ड्राई फ्रूट का सेक्शन है और काफ़ी ज़्यादा अगर प्राइस की कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा चीप में हर चीज़ अवेलेबल है और हर तरह की अलग अलग से इन्होंने बनाई हुई है, जैसे पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे वैरायटी यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे ये भी अखरोट का है कुछ, ये बादाम, पिस्ता, हर चीज़ अवेलेबल है इस मार्केट में और बहुत ही मुनासिब चीज़ में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे तो सब मुझे ड्राई फ्रूट ही अभी तक तो नज़र आ रहे हैं, अब आगे भी चलता हूँ और आपको भी दिखाता जा रहा हूँ कि कहाँ क्या चीज़ें आगे भी अवेलेबल हैं। लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ना यहाँ पे सस्ती चीज़ें नज़र आ रही हैं और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अगर आप समरकंद में आएँ तो इस मार्केट का लाजमी विज़िट करें और जो भी आपने बाय करना हो तो कर लें। इनका यूनिक जो एक स्टाइल है और ये चीज़ की मुझे तो नाम इसका नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लगता है कोई ड्राई फ्रूट की तरह की है कुछ। और इधर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये पूरी बा मार्केट, अब इस मार्केट का एक और हिस्सा है, अब उधर जा रहा हूँ, देखता हूँ मैं उधर क्या है। इस सेक्शन के अंदर मुझे नज़र आ रही हैं वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह और जो भी डेली ज़रूरियाती ज़िंदगी है, हर चीज़ अवेलेबल है इधर। और बात करूं कि सोशल डिस्टेंसिस की तो नॉर्मल ही है यहाँ पे, इतना ज़्यादा भी ख्याल नहीं रख रहे कि आजकल कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है, लेकिन बहरहाल ठीक ही है, इतना ज़्यादा रश भी नहीं है। क्या पता आप पहले की नस्बत ज़्यादा रश उस तरह का नहीं है जिस तरह का पहले होता था।
बहुत ही बड़ी मार्केट है, इसमें एक दो तीन इसके किस्से हैं बने हुए और काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ सामान मिल रहा है। मैंने तो देखा था गूगल मैप के ऊपर, तो मुझे पता चला कि यही मार्केट सबसे बड़ी है समरकंद के अंदर। बाकी हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे यही नज़र आ रहा है। ये मीट वगैरह भी गोश्त 60,000 से, इसमें एक 6 लीरे के, 6 लीरा कह रहा हूँ, 6 डॉलर का है। ये सेशन स्टार्ट हो गया है, एक तो मीट का गोश्त का सेशन है और दूसरा फ्रूट भी इसके अंदर अवेलेबल है। बिल्कुल सामने ही मार्केट के बाहर जाने का रास्ता है। बहरहाल ये तो काफ़ी बड़ी मार्केट है और हर चीज़ अवेलेबल है, उतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अगर हम उस भी करेंसी के अंदर भी इसको कन्वर्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती अवेलेबल है। ये कोई बगरखानी टाइप है कोई, कौन सा Thank you.